मॉर्निंग क्लास माय स्टार्ट डिसजॉइंट सेट। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको ओवरलैपिंग सेट, गुड मॉर्निंग बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको ओवरलैपिंग सेट्स बता दिया था। अब देखते हैं हम डिसजॉइंट सेट। तो क्या मैंने ओवरलैपिंग सेट्स लिखवा दिया था, डेफिनेशन हो गई थी। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे यहां पर आपका। ओके बेटा, डिसजॉइंट सेट स्टूडेंट्स देखते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको ओवरलैपिंग सेट बताया था, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट में क्या था, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। लास्ट टाइम मैंने आपको ओवरलैपिंग में ये बताया था कि ऐसे दो सेट जिसमें कोई एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तो आपका वो क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा। बट यहाँ हमें देखना है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। तो इसके पहले ओवरलैपिंग में क्या था, वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए था, तो ओवरलैपिंग सेट होंगे। बट यहाँ डिसजॉइंट सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मीन्स टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ओके, तो मीन्स दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो आपके दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो देखते हैं, ओके, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। मींस तो बोल सकते हैं दो सेट डिसजॉइंट सेट होंगे जब उनमें, ओके बेटा, क्या सभी को मेरी पिक क्लियर नहीं मिल रही है? यस बेटा, बेटा क्या पिक क्लियर मिल रही है, वीडियो क्लियर जा रही है? ओके, एग्जांपल, डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। एग्जांपल देखते हैं अभी हम। नो एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, सेट ए इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5, ये सेट ए के एलिमेंट हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, नाउ सेट बी इज इक्वल टू 6 7 8 9। तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप दोनों सेट देख सकते हैं, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं दोनों सेट क्या होंगे, आपके डिसजॉइंट सेट होंगे। मतलब ये दोनों सेट आपके ऐसे होंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसको हम ऐसे शो कर देंगे
जैसे कि मैंने सेट ए शो किया है 1, 2, 3, 4, 5 और सेट बी आपका ये है सेट बी 6, 7, 8, 9। अब देख रहे हैं दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों आपके अलग अलग हैं, सेपरेट है, डिसजॉइंट है ना, अलग अलग है, तो इन्हीं को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। मीन दो सेट ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ओके, अगर आपको नोट करना हो तो स्टूडेंट्स उसको नोट कर लीजिए। ओके, बेटा इसको इरेज कर दें। बेटा रीच कर दें इसको हम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देखते हैं डेफिनेशन। देखते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन द सेट ए। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसके। देखते हैं सबसे पहले एक आपका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, एंड ये आपका एक सेट है। देखते हैं इसके एलिमेंट को 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये सेट हो गया। अब इसी का हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट,
अच्छा कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट जो इसके इसमें ना हो, तो अभी आपका कौन होगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9, बेटा ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट सेट, आप उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बेटा क्या सबको वीडियो क्लियर मिल रही है? ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन सेट ए। देखते हैं एक आपका यूनिवर्सल सेट एग्जांपल में, द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड so on to 10। 10 एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में। एंड अनदर सेट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये आपके एलिमेंट हो गए सेट ए के। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ए के ऊपर डैश मैंने लगाया है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। अब कॉम्प्लीमेंट सेट कौन से होंगे, जो सेट ए में एलिमेंट नहीं है उन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट में शो करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9, जो सेट ए में नहीं है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगे, जो यूनिवर्सल सेट से हमने लिया है। बेटा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.2। यस सर, एयरटेल चल ही नहीं रहा है। जियो बताने का था 298 रुपया मांग रहा था, उसी बंद हो गई है, ये दूसरे के नाम की बात हो गई। गए थे ना सेंटर पे, हाँ दूसरे के नाम में नया सिम का 298। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे यहां पर,
बेटा की पिक्चर क्लियर जा रही है आपको? उत्कृष्ट, ओके बेटा। ओके बेटा, थोड़ी नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ रही है, अभी दूर हो जाएगी वो, आप लोग तो बने रहिए ऐसे। पिक्चर अभी क्लियर मिलने लगेगी आपको। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट फर्स्ट। सेट ए इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू। अब आपको फाइंड करना है इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, देयर आर फाइव एलिमेंट इन सेट ए, तो कार्डिनल नंबर आपको बताना था। बेटा पिक्चर जा रही, क्लियर? प्रियांशी, क्या मेरी पिक्चर क्लियर मिल रही है? प्रियांशी, क्या मेरी वॉइस और पिक्चर क्लियर मिल रही है आपको? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके नैना, क्या पिक्चर क्लियर मिल रही है? मैंने नहीं कनेक्ट है। ओके 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 बेटा, कनेक्ट रहिए आप लोग। ये जो वीडियो हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे ना, कल की जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर आज अपलोड कर दिया, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये भी वीडियो आपकी यूट्यूब से मिल जाएगी आपको। जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ से शेयर कर लेना, ठीक है? नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, अब ये दूर हो जाएगी तो आपको वीडियो क्लियर मिलने लगेगी। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट ए इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू। देयर आर फाइव एलिमेंट इन सेट ए। नो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्डिनल नंबर में, तो ये आपका स्मॉल एन होगा, ठीक है? और सेट ए को हम लिखेंगे ब्रैकेट में ऐसे, और यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, बस यहाँ आपको फाइव लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं सेट बी। तो नेक्स्ट आपका है सेट बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स, सच दैट एक्स belong to natural number and x is greater than 2 and less than 7. okay, तो आपका ये b part है इसका। देखते हैं question number first का b part। सेट बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन टू बट लेस देन सेवन। यहाँ आप सेट बी देख पा रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर में होगी। नेचुरल नंबर मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर में होगी। बट जो एक्स की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर में होने के साथ साथ आपकी टू से ज़्यादा होगी और सेवन से कम होगी। तो सेट बी आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। देखते हैं जो x की वैल्यू होगी वो किससे बड़ी होगी, 2 से, दैट इज 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 और 7 से लेस होगी। तो देख रहे हैं 7 से ये लेस है, तो इसी को हमें कार्डिनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो n, ये आपका n है और ये आपका सेट b, n ऑफ सेट b इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है वहां पर, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या बेटा समझ में आ रहा सबको? यस,
बेटा उत्कृष्ट, अभी भी आपको वीडियो क्लियर नहीं मिल रही है क्या? तो मिलने लगी है? नौ देखते हैं सर, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी, इसी का सी पार्ट देखते हैं। सेट सी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्लू, डब्लू मीन्स होल नंबर एंड W इज अ होल नंबर एंड 3x माइनस 2 लेस देन 7 ओके okay, तो देखते हैं अभी सेट में कितने एलिमेंट होंगे। सेट सी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग टू डब्लू, डब्लू मीन्स होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ओके नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन 2 बट लेस देन 7, यहां पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी 2 से ज्यादा होगी और 7 से क्या होगी, लेस होगी। तो हमें रिप्रेजेंट करना होगा सेट को, देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके। सेम कंडीशन यहां भी होगी आपकी, 2 से ज्यादा वैल्यू होगी दैट इज 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट होंगे यहां पर आपके, 4 एलिमेंट होंगे, 3 4 5 एंड 6। ओके अभी से सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है कार्डिनल नंबर में, ठीक है। देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट टू बी राइट हियर 4। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 4, तो आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा। इसको हमने कार्डिनल नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ओके बेटा, ये क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। सर या श्वेता मैम, दुर्गेश सर आपकी अगली क्लास अटेंड करेंगे।